एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का 12 बज रही है अभी, और बच्चों की स्कूल ड्रेस जो थी कि मैं धो दी थी उसी को लेकर आ रही थी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह से ना काम करते करते ना हालत हो जाती है ख़राब, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी सब्जी वगैरह बनानी बाकी ही है। और साथ ही आज मुझे मार्केट जाना ही होगा, अगर आज नहीं गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ, साथ में थोड़ा सा आईब्रो भी लगता है बढ़ गया है, हाँ बढ़ा हुआ है। ऐसे देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे कैमरे में नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसे है, पूरा हो गया है, निकल गया है, आईब्रो आ गया है। तो थ्रेडिंग भी करानी है मुझे, और थोड़ी सी कुछ ख़रीदारी भी करनी है। तो चलिए पहले बना लेते हैं खाना, और आज मौसम अच्छा है, आज नहीं लगता है कि बारिश होगा, तो आज तो चले ही जाएंगे। तो चलिए पहले किचन में सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद फिर। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली थी हरे चने की सब्जी और नेनुआ साथ में। नेनुआ के साथ तो मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन ऐसा हो रहा था ना कि वो 2-3 दिन पहले ही आया हुआ था और वो ख़राब हो रहा था। तो मैं सोची क्यों ना मैं इसी के साथ मिलाकर बना दूं। और काफ़ी लेकर आए थे, मतलब 1 kg लेकर आ गए थे, तो उसी में से एक और नेनुआ था। तो इसे मैं जला दे रही हूँ, मतलब पका दे रही हूँ। तो सबसे पहले इसको डाल लेते हैं तोरी को कुकर में। क्योंकि हस्बैंड को पूरा गली हुई जो चीज़ें होती है ना, वही पसंद आती है। डाल लेते हैं साथ ही चने। चढ़ा देते हैं। और आज मेरे घर में ना टमाटर ख़त्म हो गई है, अब बिना टमाटर की सब्जी कैसे बनेगी पता नहीं मुझे। तो चलिए, और लाइट भी नहीं है तो मसाले को पीस लेते हैं सिलवट्टे पर, है ना। आप लोग कभी चटनी खाए हैं नेनुआ की चटनी? अगर नहीं खाए हैं ना तो ज़रूर खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए मसाला पीस ली हूँ, उसके बाद अभी इसे भी मैं पीस लेती हूँ चटनी को। तो चलिए क्या क्या डालते हैं आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, मिर्ची, इसी में 1 बूंद तेल, तेल सरसों की होनी चाहिए, तेल ज़्यादा पड़ गई कैमरे में देखने की वजह से, तेल ज़्यादा पड़ गई, थोड़ी सी नमक, बस इसे पीस देना है। और यहाँ पर चटनी बनकर हो गई है तैयार, सिलवट्टे वाली चटनी। आहा, यहाँ पर आए हैं, बाप रे, क्या लेके आए इतना सारा टमाटर ना? टमाटर नहीं, टमाटर तो नहीं बोलते। ए बाबा, आज मेरा सब्जी लगता है बिना टमाटर के ही बनेगी। देखिए इनको, सिर्फ ना मैं आलू लाने बोली थी, और क्या क्या आलू के बदले, आलू है, खीरा है, पपीता है, सब चीज़ लेकर आए हैं। जो चाहिए था वही नहीं लेके आए। खैर, क्या चाहिए? अच्छा, पैसा भी है दीजिए सर के साथ। हाँ, लाइट सुबह से ही नहीं है, लगता है तीज का शॉपिंग करने के लिए मिला है। नहीं, नहीं। पकड़ ली तुम तो। हाँ, हम तो सोचे थे कि मम्मी जो साड़ी दी है उसी से काम चल जाएगा, लेकिन चलिए पहले चाय पानी अब दे लेते हैं।
पेड़ा खाकर बताइए कि कैसा लगा, पूछ रही थी। कौन पूछेगी कैसा लगा? अच्छा तो लगा ही है। तो अब मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि जो मैं चना और नेनुआ बना रही थी ना, वो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो दाल चावल बनी हुई थी, या साथ ही में अगर मैं पापड़ तल देती ना, तो वो लोग आराम से खा लेते। तो पहले मैं कढ़ाई में पापड़ को ही तल ली हूँ, और उसी से तेल जो बचा है उसी में मैं फिर सब्जी को भी छौंक दे रही हूँ। एक काम में, एक बर्तन में दो काम हो जाएगा ऐसे। तो प्याज लाल हो गया है, जैसे हम लोग रेगुलर की सब्जियां बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैं बना रही थी। और एक चीज़ और है कि आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं मतलब ऐसे ही नॉर्मल खाना वगैरह शेयर करती हूँ, तो ऐसे ही मेरे घर में बनता है, तो मैं यही शेयर करती हूँ। कोई भी नया चीज़ ना, मेरे बच्चा, खास करके मेरा बेटा, खाने को लेकर ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सोचता है, नया चीज़ खाना पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं उतना कुछ ट्राई नहीं करती हूँ, और मीठा तो खाता ही नहीं है। तो चलिए बात करते करते, हमारे यहाँ पर देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और सब्जी बनने के बाद तुरंत ही मैं खाना लगा दी हूँ। तो खाने में है चना नेनुआ की सब्जी, नेनुआ की चटनी, सोयाबीन में बनाई थी नाश्ते में वो थी, साथ में पापड़। और यहाँ पर हस्बैंड को दे दी हूँ खाना, तो पता नहीं क्या है, थोड़ा सा गुस्सा लग रहे हैं, ऑफिस से आए हैं तभी से, मुझे बोले कि तैयार होकर रहना, शाम में मैं फ़ोन करूँगा। तो वो खाकर चले गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो शाम की जो काम होती है ना, छोटी मोटी, वही सब मैं कर रही हूँ। तो सारे जितने भी सोफ़ा का कवर थे, एक ही जगह मैं रख कर पूरा अच्छे से झाड़ ली हूँ। उसके बाद फिर मैं बिछा दूँगी, और फिर अभी ही तैयार होकर मैं जाऊँगी मार्केट। अभी तो खैर टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, वो हस्बैंड फ़ोन किए थे मुझे कि आ जाओ, तो मैं ऑटो से ही जा रही हूँ, और अकेले ही जा रही हूँ, बच्चों को लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का ट्यूशन था और मुझे ज़्यादा देर का काम नहीं था। और बच्चों को ले जाने से क्या होते हैं ना, मेरे बच्चे खास करके बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तुरंत बोलेंगे चलिए मम्मी घर चलिए, तो इसीलिए मैं नहीं लेके गई। तो देख लीजिए हमारा झरिया मार्केट, और आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, उतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ होनी चाहिए थी। तो हम लोग आ गए हैं सबसे पहले साड़ी लेने के लिए, साड़ी दुकान में। तो यहाँ पर साड़ी देखिए दिखा रहे हैं भैया, तो आप लोग गैस कीजिए कि मैं कौन सी साड़ी ली हूँ। वैसे मैं सिंपल ही ली हूँ, फिर भी आप लोग एक बार गैस कीजिएगा कि मैं कौन सा साड़ी ली हूँ। तो साड़ी वगैरह डन हो गया, और मैं ना हमेशा इन्हीं के दुकान से ले जाती हूँ, मुझे इनकी दुकान की साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब फिनिशिंग जो होता है ना, वो फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए करीब 3-4 साल से ना मैं यहीं से ले जा रही हूँ। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ कि कल के ब्लॉग में ना एक कमेंट आया था, जिसमें था लिखा हुआ था कि वो बोल रही थी कि दीदी मैं भी तीज की शॉपिंग नहीं की हूँ, पुराने कपड़े से ही करूँगी। तो डियर, बात ऐसा है ना कि मेरे भी शादी को ना 15 साल हो गए हैं, और 15 साल में ना 13 साल मैंने भी पुराने कपड़े में ही किए हैं, अभी 3 साल से मैं नए कपड़े ले रही हूँ। तो कोई नहीं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सब चीज़ अच्छा ही होता है। तो अब हम लोग, साड़ी हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे चूड़ी वगैरह और जो भी कुछ होती है ना वो सब लेने के लिए। तो लेने तो गई थी मैं चूड़ी, लेकिन यहाँ पर मुझे पसंद आएगी गई थी लहठी। तो वैसे तो ये ओरिजिनल लहठी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे मम्मी के पास थी ओरिजिनल लहठी, उसका बात ही कुछ और होता है, क्योंकि वो जब रखती थी ना तो बहुत अच्छे से रखना पड़ता था सेब के साथ, वरना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। लेकिन ये मुझे नहीं लग रही है कि उतनी अच्छी क्वालिटी की है। तो फिर भी बोलते हैं ना लोग कि लहठी पहन कर ही पूजा करना चाहिए, तो वही मैं कर रही थी। तो शॉपिंग हो गई है, उसके बाद हमारे झरिया का फेवरेट लस्सी, वो पीकर ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, पीकर भी आए, बच्चों के लिए लेकर भी आए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब